तो ओवैसी द्वारा औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने को लेकर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ओवैसी की आलोचना कर रहे, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मनसे हो, सभी राजनीतिक पार्टियां एक सुर में ओवैसी का विरोध कर रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ओवैसी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों का कभी भी आदर्श नहीं हो सकता ओवैसी औरंगजेब। तो औरंगजेब को लेकर बड़ी बात कही है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने साफ कहा है भारत के मुसलमानों का कभी भी आदर्श नहीं हो सकता औरंगजेब। औरंगजेब की कब्र पर जाना देशभक्त मुसलमानों का अपमान है। तो सीधे ओवैसी को लेकर निशाना साधा है देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि भारत के मुसलमानों का भी आदर्श नहीं हो सकता औरंगजेब। औरंगजेब की कब्र पर जाना देशभक्त मुसलमानों का अपमान। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया है। तो आपको बता दूं, गुरुवार को औरंगाबाद के दौरे पर आए थे अकबरुद्दीन ओवैसी। उस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उनके साथ औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील भी थे और उन सभी नेताओं ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर माथा टेका, पुष्पार्पण किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अकबरुद्दीन ओवैसी की जमकर आलोचना की, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, मनसे हो, सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में ओवैसी का विरोध किया कि आप ऐसे क्रूर मुगल शासक के कब्र पर माथा कैसे टेक सकते हैं। और अलग अलग पार्टियों के नेता के बयान सामने आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि उसी कब्र में एक दिन इनको गाड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने कहा कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम इन्हें उसी कब्र के बगल में इनकी कब्र बना देंगे। तो अब देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया, उन्होंने साफ कह दिया औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकना मुसलमानों का, राष्ट्रभक्त मुसलमानों का, देशभक्त मुसलमानों का अपमान है, भारत के मुसलमानों का कभी आदर्श नहीं हो सकता औरंगजेब। आइए सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। ठाकरे सरकार मध्ये हनुमान चालीसा म्हटली तर कारवाई आहे, परंतु काश्मीर तोडण्याचा नारा देणाऱ्यांवर कारवाई नाहीये, शर्जीलवर कारवाई नाहीये। आणि अकबरुद्दीन ओवैसींना या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की औरंगजेबाच्या कबरीचा त्या ठिकाणी महिमा मंडन करून तुम्ही महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या देशभक्त मुसलमानांचा अपमान केलाय। औरंगजेब या देशामध्ये हिंदूंचा तर नाहीच पण मुसलमानांचा देखील नेता होऊ शकत नाही, कारण या देशावर त्यांनी आक्रमण केलाय। आणि ज्या औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी राजांना अक्षरशः त्या ठिकाणी तडफडवून त्यांची निगरून हत्या केली, अशा औरंगजेबाचं महिमा मंडन आम्ही मान्य करणार नाही। त्यामुळे अशा प्रकारे जर त्याचं महिमा मंडन कोणी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। छोट्या छोट्या गोष्टीवर कारवाई करणारे, लीलावतीत एखादा फोटो त्या ठिकाणी ट्विट झाला तर त्याच्यावर कारवाई करणारे आता का गप्प आहेत, हा माझा सवाल आहे। त्यांनी कारवाई केली नाही तरी आम्ही हे सहन करणार नाही, याची जागा त्याला दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। राज ठाकरे यांची सभा पार पडल्यानंतर लगेचच 12 तासात त्यांच्यावर गुन्ह्यांची मालिका सुरू केली आणि 24 तास इकडे उलटून गेलेत। संवेदनशील कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर वारंवार बोलतात पण कारवाई होत नाही। असं आहे की उद्धवजी ज्या लोकांसोबत बसले आहेत त्यांचीच नीती ते चालवत आहेत। देवेंद्र फडणवीस को सुना साफ का, औरंगजेब कभी भी भारत के मुसलमानों का भी आदर्श नहीं हो सकता। और औरंगजेब की कब्र पर माथा टेक कर ओवैसी ने देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों का अपमान किया है। और ओवैसी एक आक्रांता था, उसने भारत पर हमला किया, उसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की। और औरंगजेब एक मुगल आक्रांता था, वो हमारे देश का नहीं हो सकता, हिंदुओं का भी नहीं हो सकता, मुसलमानों का भी नहीं हो सकता,
साहब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज यानी शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को दर्दनाक उनकी हत्या की उसको इस देश में कोई नहीं मान सकता, कोई नहीं अपना सकता। तो औरंगजेब द्वारा जो माता टेका गया है, माफ कीजिएगा, ओवैसी द्वारा जो औरंगजेब की कब्र पर माता टेका गया है उसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है और सभी राजनीतिक दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का जमकर विरोध कर रहे हैं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।